बज गया मैं वही पुराना तेरा बहाना देर से आना और ये कहना वादा तो निभाया वादा तो निभाया इंतजार के एक एक पल का बदला लूंगा ऐसा भी क्या ये न समझना आज भी ऐसे जाने दूंगा ऐसा भी क्या कितना सताया पहले उसका हिसाब दो अखियों में अखियां डाल के जवाब दो बचते बचाते हो बचते बचाते छुपते छुपाते तुम क्या जानो कैसे आई वादा तो समझ गया मैं वही पुराना तेरा बहाना देर से आना और ये कहना वादा तो निभाया ओ मेरे राजा जकड़ेंगे मुड़ जाएगी मेरी कलाई हाथ न पकड़ो हम पकड़ेंगे छोड़ो ना नहीं छोड़ो ना ऐसे तो नाजुक नहीं हाथ सरकार के मौके भी कभी कभी मिलते हैं प्यार के प्यार भी तो हो प्यार भी तो नया नया है मेरी वफा की कदर करोगे होठों पे ये शहद के धारे किसके लिए है बोलो बोलो अजी तुम्हारे शर्म उठाओ जी बदनामी से ओ बदनामी से डर लगता है कि तो सोचो किस मुश्किल से वादा तो निभाया ओ मेरे राजा समझ गया मैं वही पुराना तेरा बहाना देर से आना और ये कहना वादा तो निभाया वादा तो निभाया ओ मेरे राजा ओ मेरी रानी हॉलिडे कैलेंडर 2024 का बिल्कुल अच्छी तरह से चेक कर लीजिए क्योंकि आपको प्लान जो करना है घूमने के लिए वैसे मैं आपको बता दूं कि लंबे लंबे वीकेंड्स हैं इस बार मैंने पहले ही चेक कर लिया है और आज हम तस्वीर में आपके लिए लेकर के आए हैं आकाशवाणी गोल्ड पे वडोदरा गए हैं आप बहुत ही प्यारी सी जगह बहुत ही शानदार हर चीज आपको मिल जाएगी खाना और वहां का कल्चर और इसके अलावा बहुत ढेर कुछ है कि एक विजिट कम है आपके लिए बताऊंगी इसी शहर के बारे में सिर्फ और सिर्फ तस्वीर में रंगत तेरी सूरत से किसी में नहीं नहीं खुशबू तेरे बदन से किसी में नहीं नहीं रंगत तेरी सूरत से किसी में बदन सी किसी में नहीं नहीं रंगत तेरी सूरत सी किसी में
सपना तू ही तो है जिसका था इंतजार वो अपना तू ही तो है जिसका था इंतजार वो अपना तू ही तो है हर दम ये शरारत सी किसी में नहीं नहीं खुशबू तेरे बदन सी किसी में नहीं नहीं रंगत तेरी सूरत सी हसीन लाख है दुनिया की राह में आता नहीं है कोई भी मेरी निगाह में आता नहीं है कोई भी मेरी निगाह में तुझ में है जो अगन सी किसी में नहीं नहीं खुशबू तेरे बदन सी किसी में नहीं नहीं रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं मोहब्बत सी किसी में नहीं नहीं खुशबू तेरे बदन सी किसी में नहीं नहीं रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं खुशबू तेरे बदन सी किसी में नहीं नहीं रंगत तेरी सूरत सी इतिहास संस्कृति नगरी के रूप में जानी जाती है वडोदरा लगभग 1200 साल पुराना है इसका इतिहास वडोदरा को पहले बड़ौदा नाम से भी हम जानते थे और गुजरात के कई इलाकों में आज भी इसे बड़ौदा ही कहा जाता है ये गांधीनगर से करीब 141 किलोमीटर दूर विश्वामित्री नदी के किनारे बसा हुआ एक कहा जाता है कि इस शहर का नाम बड़ यानी कि बरगद के वृक्ष पर पड़ा है वडोदरा वडोदरा का प्राचीन इतिहास इस शहर का सबसे पहले उल्लेख 812 ईस्वी में एक राजपत्र में मिलता है थोड़ी सी हिस्ट्री उस शहर के बारे में जहां हम जाना चाहते हैं मैं
वडोदरा में आपको घूमने के लिए सब कुछ मिलेगा। मंदिरों और झीलों का शहर जो है ये, जो पर्यटन के लिहाज से बहुत ही खूबसूरत है। इस शहर में पर्यटकों को लुभाने के लिए बहुत कुछ है। ऐसे में अगर आप इस शहर की सैर करना चाहते हैं, वहां पे आप म्यूजियम, पिक्चर गैलरी, लक्ष्मी विलास पैलेस, सुरसागर झील, सयाजी गार्डन, ईएमई मंदिर, अरबिंदो आश्रम और जारवानी झरना, ये सारी की सारी जगहें घूम सकते हैं। थोड़ा थोड़ा मन बनाइए और ये तस्वीर जब आप देखेंगे वडोदरा की, तो हो सकता है टिकट भी कटा लेंगे आप। रास्ते और मंजिल तेरी तू, ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी तू, राह में राही रुकना जाना हो करके मजबूर। ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी तू, ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी तू, राह में राही रुकना जाना हो करके मजबूर। नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर। चलते देख के आगे ठोकर से है चूर। ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, राह में राही रुकना जाना हो करके मजबूर। ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर। उद्योगों के इस आगामी हब और आईटी के साथ पर्यटकों का पसंदीदा ये एक जगह है।
लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं, वो ये कि जहाँ भी जाएं वहाँ पे अपने कपड़ों का और अपने तौर तरीकों का ख्याल रखना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें आगे जो जो भी हमारे सामने है उसका मान सम्मान करना भी आना चाहिए, तभी घूमने का मजा है। खूबसूरत जवां एक लड़की सड़क पर अकेली चली जा रही थी, फकत नाम को उसने पहने थे कपड़े, अजंता की मूरत नजर आ रही थी, नजर आ रही थी, कोई मन चला उससे टकरा गया, कोई मन चला उससे टकरा गया। मेरे दोस्त तो तुम करो फैसला, पता किसकी है किसको दे हम सजा, मेरे हुआ हादसा जो वो कैसे ना होता, के बन के कयामत वो निकली थी घर से, वो निकली थी घर से, न देखे कोई तो शराफत है उसकी, जो देखे तो कुछ भी छुपे ना नजर से, छुपे मेरे दोस्त तो तुम करो फैसला, पता किसकी है किसको दे हम सजा, मेरे दोस्त तो तुम करो फैसला, पता किसकी है किसको दे हम सजा। हसी तो हमेशा हसी थे मगर, हसी तो हमेशा हसी थे मगर, कभी रास्तों पे निकलते न थे, बदलते थे वो भी कई रूप लेकिन नए रोज फैशन बदलते न थे, वो बदलते न थे, गया एक तो दूसरा आ गया, गया एक तो दूसरा आ गया। मेरे दोस्त तो तुम करो फैसला, पता किसकी है किसको दे हम सजा, मेरे ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। नमस्कार,
ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले वाहन चालक कोहरे में सुरक्षा के लिए फॉग लाइट्स और ब्लिंकर्स का इस्तेमाल करें। लाल रिफ्लेक्टिव टेप लगाएं। बेवजह पार्किंग न करें। इमरजेंसी में तुरंत 1033 पर कॉल करें। आपकी सुरक्षा हमारा प्रयास। NHAI और NCREP द्वारा जनहित में जारी। आत्मनिर्भर भारत उत्सव के शानदार आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आइए भारत मंडपम, हॉल नंबर 1-6, प्रगति मैदान 3-10 जनवरी तक। आनंद ले स्थानीय व्यंजनों, जीवंत सांस्कृतिक कार्यक्रमों और भारत के विभिन्न क्षेत्रों के वस्त्रों के साथ हस्तकला के प्रदर्शन का आना ना भूलें। प्रवेश निःशुल्क। Think IIT, Think Vidya Mandir. Think IIT, Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir National Admission Test on 14th January. Think IIT, Think Vidya Mandir. Bharat Sarkar Dwara Janhit Mein Jari. LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICIndia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICIndia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICIndia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल, गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, गाता रहे मेरा दिल। करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। प्यार करने वाले में चलना, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना। प्यार हमें भी सिखला देगा गर्दिश में संभलना। कहीं बीते ना, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल। अब कैसी अरे शाम जा रही है, हमको ढलते ढलते
समझा रही है। सांस जाने कब से गा रही है, कहीं बीते ना हो, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना घूमने निकलेंगे तो दिल अपने आप गाएगा। ये खूबसूरती है यात्रा की, क्योंकि हम पैसे कमाते हैं अपनी जेब भरने के लिए, अपने बिल्स भरने के लिए, और जब हम घूमते हैं तो हमारी आत्मा को एक अलग तरह की संतुष्टि मिलती है। सच्ची कह रही हूँ, ट्राई करके देखिएगा। तस्वीर में ये है वडोदरा, और वडोदरा जाएं, वहाँ का खाना अगर आप ना खाएं तो ऐसा हो नहीं सकता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, वहाँ के बहुत प्रकार के जो स्ट्रीट फूड्स हैं उनको ट्राई कीजिएगा, और जो गुजराती फ्लेवर आपको मिलेगा, अगर आप गुजरात के दूसरे हिस्सों से वहाँ जा रहे हैं तो आप यही कहेंगे, भाई वाह इतना अच्छा खाना, क्योंकि जो फूड है उस पूरे इलाके की वो वहाँ की स्पेशलिटी है। चख के बताइएगा। आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली, इतनी सुहानी ऐसी मीठी, इतनी सुहानी ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली, आज से पहले। संजो कहे या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं, इसको संजो कहे या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं, मन चाहे साथी पाके हम सबके चेहरे, देखो तो कैसे खिले हैं, ओ तकदीरों को जोड़ दे ऐसी, इन तकदीरों को जोड़ दे ऐसी, कड़ी आज तक नहीं मिली, आज से पहले। सपना हो जाए वो पूरा जो हमने देखा, ये मेरे दिल की दुआ है, ए, सपना हो जाए वो पूरा जो हमने देखा, ये मेरे दिल की दुआ है,
रहे हैं इनके नशे में, दिल मेरा गाने लगा है ओ, इसी खुशी को ढूंढ रहे थे हम, इसी खुशी को ढूंढ रहे थे, यही आज तक नहीं मिली, आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली, आज से पहले। तस्वीर को देखिए नहीं सिर्फ सुनिए भी, क्योंकि ये खुशी आपको मिलेगी कि कितना अच्छा लगता है यात्रा पे जाना, कितना इंस्पायरिंग होता है ये सब कुछ। और आज हम हैं वडोदरा में, यहाँ पे एक दक्षिणामूर्ति मंदिर है जिसको आप अगर देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। ईएमई मंदिर भारतीय सेना द्वारा प्रबंधित एक शिव मंदिर है। मंदिर भारत के प्रमुख धर्मों के पहलुओं की विशेषता वाले उल्लेखनीय समकालीन वास्तुकला का दावा करता है। और उसके बाद लक्ष्मी विलास पैलेस बहुत सुंदर है, भारत की सबसे शानदार महलों में से एक। प्रतिष्ठित लक्ष्मी विलास पैलेस वडोदरा के शाही परिवार का निवास स्थान भी है। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा 1890 में निर्मित विशाल महल अब तक का सबसे बड़ा निजी निवास स्थान है और लंदन के बकिंगम पैलेस से पता है 4 गुना बड़ा है। ये इंडो सरसेनिक स्थापत्य शैली का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जहां आप जाके उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके बाद फिर हमें बताइएगा कैसा लगा आपको। आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर।
मैं स्मृति ईरानी लेकर आ रही हूँ नई सोच नई कहानी बुधवार सुबह 9 बजे आकाशवाणी गोल्ड 100.1 पर। अपने श्रोताओं के लिए आकाशवाणी लाया है आकाशवाणी संवाद, जिसके माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमें 8700014411 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके जरिए आप श्री रामचरितमानस गान, तस्वीर, किसान की बात, सुर्खियों में स्पॉटलाइट, पब्लिक स्पीक लाइव जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें हिंदी और अंग्रेजी किसी भी भाषा में हमारे व्हाट्सएप नंबर 8700014411 पर दे सकते हैं। तो अपनी राय साझा करने के लिए आज ही दिए गए नंबर पर मैसेज करें। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। पलक तेरी गोरी खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी, एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी हो चोरी। काली पलक पिया मोरी ओ खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी, एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी हो चोरी। बांध के पायल होंठ दबाए बदन को चुराए, नाजुक कमर से लगाए अदा की कचारी जालिमा, तेरे की धीरे धीरे मेरे गले पर ये बाहों के खंजर जाए कि दिल मेरा लेकर समझ के अनाड़ी बालमा, बांधेगी लटों की डोरी हो डोरी। काली पलक तेरी गोरी ओ खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी, एक चोरनी एक चोर की घर करने चली है चोरी हो चोरी। काली पलक पिया मोरी करने चली है चोरी हो चोरी। काली पलक तेरी गोरी अच्छी हुई मेरी चोरी के, एक दिल खोया तो एक दिल पाया,
ऐसे कोई पास आया के आ गया लुटने का मजा। अच्छी तेरी है मेरी जोड़ी के लुट गए दोनों तो बस गए दोनों, हंस के निपट गए दोनों, हुआ जब वादा सारी था। रोज रात को मिलेंगे चंदा और चकोरी चकोरी खाली पलक तेरी गोरी, खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी, एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी। आपकी वो जो घूमने वाली किताब थी ना, उसमें एक पन्ना और जुड़ गया, एक तस्वीर और जुड़ गई वडोदरा की। कैसी लगी हमें बताइएगा जरूर। अब तो मेरा जाने का समय आ गया है, लेकिन जाते जाते एक चीज मैं कहना चाहती हूँ। जो लोग घूमने के शौकीन हैं, उन्हें आजकल थोड़ी सी तकलीफ हो रही होगी जापान के बारे में जो खबरें आ रही हैं, वहां पे भूकंप आया और सुनामी की भी खबरें आ रही हैं, उनके लिए दुआ कीजिए। क्योंकि जापान एक ऐसा शहर है जो हम सिर्फ देखते नहीं हैं, बहुत सारी चीजें सीखते भी हैं। लव इन टोक्यो 1966 में आई थी ये फिल्म, उसी फिल्म का एक गाना। इजाजत, फिर से मिलने के लिए।